जय हिंद प्यारे मित्रों, मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो आप सबको याद होगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर डीजल पेट्रोल के दाम घटे थे, कच्चे तेल के। तब मोदी जी ने कहा था कि मेरी किस्मत से, मैं किस्मत का बहुत धनी हूं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल पेट्रोल के दाम घटे हैं, लेकिन उसका फायदा देशवासियों को नहीं मिला। उसके बाद अभी वर्ल्ड कप के अंदर आपने देखा होगा कि एक चैनल ने, बड़े चैनल ने ये कहा कि मोदी जी के भाग से इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, यानी मोदी जी जिताएंगे वर्ल्ड कप। अब यदि मोदी जी के भाग से ही सब चीज इस देश के अंदर हो रहा है, तो क्यों ना हम कहें कि बिहार, असम, महाराष्ट्र, राजस्थान और भी कई प्रदेशों के अंदर जो ये आफत की बाढ़ आई हुई है, तो ये मोदी जी के भाग से ही बाढ़ आई है। वहीं जब गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी थे, तो आप सबको याद होगा भूकंप आया था, कई हजार आदमी मारे गए थे, तो ये भी मोदी जी के भाग से ही मरे थे ना। अभी अपने बिहार के अंदर चमकी बुखार चला था, हजारों बच्चों की जान चली गई मोदी जी के भाग से। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं ये लफ्ज, ये मोदी जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, और न्यूज चैनल भी इनके सपोर्ट में काफी बोलते हैं। तो आज हिंदुस्तान का न्यूज चैनल ये क्यों नहीं बोल रहा है कि मोदी जी के भाग से असम, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, इन सब इलाकों में, मध्य प्रदेश के अंदर भयानक बाढ़ के जिम्मेदार मोदी जी हैं। कहना चाहिए आज न्यूज चैनलों को हमारे देश में किस तरह की राजनीतिक हो रही है, और कितना घिनौना चेहरा मीडिया वालों का हो गया है। ये न्यूज चैनल वाले हैं, इनका इससे आपको अंदाजा लग सकता है। क्योंकि आने वाले समय के अंदर जो स्थिति मॉब लिंचिंग के ऊपर आज देश के अंदर हुआ है, मैं कहता हूं गोधरा कांड सबसे बड़ा कांड है मॉब लिंचिंग का, और यह नरेंद्र मोदी सरकार की देन है भारत के अंदर मॉब लिंचिंग की। आज हिंदू भी मारे जा रहे हैं, मुस्लिम भी मारे जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमानों को ही, इससे हिंदू भी शिकार हो रहे हैं, और इसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ही बनती है। क्योंकि इनको अपने वोट बैंक की राजनीति करनी है, आम जनता मर रही है ना, क्या फर्क पड़ता है इनको। वैसे भी अमित शाह जी ने कर्नाटक के अंदर चुनाव में कहा था कि हिंदुस्तान में जितने दंगे भड़केंगे उतना कमल खिलेगा, तो इनको अपने कमल खिलाने से मतलब है आम जनता की जान माल से कोई लेना देना ही। आज कहां चला गया देशभक्ति, आप ये देखो ना, भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन खत्म। आज हमदर्दी है इतने राज्यों के अंदर, कई सौ आदमी बाढ़ में डूब के मर गए, बिहार के अंदर हजारों बच्चे मर गए, है आज इनको देश के अंदर थोड़ी सी आम नागरिक की प्रति चिंता। समझिए राजनीति को। जय हिंद।